बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। इस दौरान बच्चों को तनाव बना रहता है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे ही आएं और वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरें। इस कारण बच्चे तनाव में जीते हैं और धीरे धीरे ये तनाव डिप्रेशन का रूप ले लेता है। ये कंडीशन बच्चों के माइंड के लिए खतरनाक है। ऐसे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे रिजल्ट आने से पहले अपने आप को स्ट्रोंग बनाए। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कल्किन मेडिटेशन एंड मोटिवेशन पर। दोस्तों, सबसे पहले जिम्मेदारी बच्चों के माता पिता की होती है। माता पिता बच्चों पर दबाव न डालें, रिजल्ट वाले दिन को रिलैक्स रहने को बोलें, प्यार से बातें करें, खुद भी टेंशन में ना रहें, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। इससे बच्चे तनाव में कमी ला पाएंगे। देखो, बच्चे आमतौर पर रिजल्ट से पहले अपने मार्क्स के बारे में सोचते रहते हैं। बच्चों, रिजल्ट से पहले ऐसा कुछ न सोचें, जो आपने लिखा है उसी के अनुसार मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कम हैं तो रीचेकिंग करा सकते हैं या री एग्जाम भी दे सकते हैं। बच्चों, रिजल्ट वाले दिन मनपसंद खाना खाएं, मनपसंद गेम खेलें, कोई मूवी देखें। आमतौर पर बच्चे अपना रिजल्ट खुद अकेले ही देखना चाहते हैं, ताकि रिजल्ट खराब होने पर उन्हें पेरेंट्स के गुस्से का सामना न करना पड़े। यहाँ पर पेरेंट्स को समझना होगा कि वे अपने बच्चों के साथ रिजल्ट देखें और रिजल्ट कैसा भी हो उन बच्चों को मोटिवेट करें। दोस्तों, कई पेरेंट्स बच्चों के मार्क्स को अपनी इज्जत और मान मर्यादा से जोड़ने लगते हैं। मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों के रिजल्ट को अपने इमोशन से ना जोड़ें। हर बच्चे में कोई ना कोई स्पेशल स्किल होता है। पेरेंट्स उस क्षमता को जानें और अपने बच्चों को तनाव से दूर रखें। दोस्तों, रिजल्ट कैसा भी हो, अपने बच्चों को मोटिवेट करें और उन्हें समझाएं कि परीक्षा का रिजल्ट कैसे भी हो, आप उन्हें उतना ही प्यार करें जितना पहले करते थे। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों के इमोशन को संभालें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह के और टॉपिक आपको जल्दी से मिल सकें। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, आपके अच्छे मार्क्स आएँ। गुड लक।